लॉबी कितनी स्ट्रांग है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से जान छुड़ा पाएगा, व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा? इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब ये डिस्कशन करने लग गए हैं कि हमने यूरोप की चाटुकारिता कर करके अब FATF में अपनी जगह बहुत अच्छी बना ली है, क्योंकि ये ग्रे से व्हाइट लिस्ट में आना चाहते हैं। और इनका सबसे बड़ा डर ये है कि आज FATF में जो इंडियन लॉबी का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं इनको परेशान ना कर दे, क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी देश है, जिसकी वजह से हाफिज सईद जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में शरण लिए हुए, जो भारत में दहशतगर्दी करते थे। अब सबसे बड़ा डर पाकिस्तान को यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हमारे लिए भारत कोई समस्या खड़ी न कर दे, क्योंकि हाफिज सईद अभी पाकिस्तान में है। दूसरी तरफ इन्होंने जर्मनी का हवाला देते हुए कहा है कि जर्मनी हमारे सपोर्ट में, जबकि कोई आधिकारिक बयान जर्मनी की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है। तो दोस्तों देखिए कैसे FATF में इनकी दुर्गति हो रही है और आगे आने वाले समय में इनके साथ होने क्या वाला है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लॉबी कितनी स्ट्रांग है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से जान छुड़ा पाएगा, व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा? शायस्ता, इसमें पाकिस्तान आर्मी ने बहुत काम किया है। एक स्पेशल सेल जो है वो GHQ में बनाया गया, जिसमें एक 2-स्टार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वह तमाम एजेंसी से, बैंक से और जितने अदारे हैं सबसे कोऑर्डिनेट करके, और तभी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। और उसमें ख़ास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग, टारगेट किलिंग, बताखोरी, टेरर फाइनेंसिंग सब चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, बल्कि 53 बिलियन रुपीज़ जो है उन्होंने इसको पकड़ा भी और रोका भी, जो कि रिपोर्ट भी गई है। और बहुत उम्मीद है कि इस दफ़ा ये हालात बहुत बेहतर होंगे। और जाहिर है कि विनोद हिना रबानी पुरानी रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रही हैं, बट आई विश कि अगर वो हमाद अजहर से एक इनकी देखें नेशनल लेवल के ऊपर, चाहे ऑपोजिशन में या गवर्नमेंट में, इंटरेस्ट मुल्क का होता है, तो आपस में अगर ये ब्रीफिंग कर लेते और हमाद अजहर को ब्रीफ करते कि जी मैंने ये किया है, दैट वुड बी बेटर। बट आई एम श्योर कि शी इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, पूरी ब्रीफिंग लेकर गई होंगी। माहौल बहुत अच्छा है इस वक्त, जो लग रहा है कि इंडिया को नजर आ रहा है कि चाहो तभी, वरना वो कभी भी पहले ही बताना शुरू कर देते थे कि ब्लैक में, ग्रे लिस्ट में जाएगा या ब्लैक में जाएगा। तो इस वक्त हालात बहुत बेहतर हैं। वी आर वेरी होपफुल कि पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। इससे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे असरात होंगे, और ख़ासतौर पर नेशनल बैंक का डिसीजन जो उन्होंने बताया उसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर आएगा कि जब वहाँ से क्लियर हुआ, मीन्स कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक इन चीज़ों में क्लियर और वाइट होता जा रहा है। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, FATF की लिस्ट से निकलने का क्रेडिट किस हुकूमत को जाएगा आपके ख्याल में, मौजूदा हुकूमत को या फिर गुज़श्ता हुकूमत को? देखिए, हमने FATF की शरायत तो इस प्रोग्राम में पिछले एक साल से बात हो रही थी कि हमने पूरी कर दी हैं, और बल्कि जो बाकी ममालिक हैं वो हमसे नीचे हैं, जो इस वक्त वाइट लिस्ट में हैं वो उस क्राइटेरिया में हमसे नीचे हैं, वो उन पॉइंट्स में हमसे नीचे हैं, हमने उनसे ज़्यादा क्रेडिट स्कोर कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। और हम इसी प्रोग्राम में बार बार कहते रहे कि वो हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर था, हमने वो काम सारा कर लिया था FATF का, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी इतनी कमज़ोर थी, हमारी वजारत खारजा इतनी कमज़ोर थी उस वक़्त, हमारे आलमी ताल्लुकात इतने कमज़ोर थे कि हम उसको ग्रे से वाइट में नहीं ला सके। और हमने ग्रे में हर बार होता था कि इस बार निकल जाएंगे, लेकिन फिर कहा जाता था कि बड़ी ज्यादती हो गई है हम, तो लिहाजा ये काम अब जो है, काम एक साल पहले ही मुकम्मल हो गया था। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि GHQ में एक सेल था, 2-स्टार जनरल इसको कर रहे थे, उन्होंने ही किया है, इसमें बाकी किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, उन्हीं का क्रेडिट है। हमाद अजहर साहब का क्रेडिट होता है तो बाकी और जगह भी उनकी कारकर्दगी हमें बड़ी नज़र आ जाती। वो तो 7 दिन के वजीर ख़जाना थे, अपनी हुकूमत ने उन्हें बदल दिया था, उनकी कारकर्दगी के तो इमरान खान भी बड़े मोतरफ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जर्मनी की वजीर खारजा पाकिस्तान आई, बिलावल ने यूरोप का दौरा किया, हमने वो दरवाज़े खोले हैं जो पिछली हुकूमत ने बंद किए हुए थे, और जब तक हम वो दरवाजे ना खोलते हम FATF में से नहीं निकल सकते थे।
तो इसलिए माहौल बना है, लेकिन अभी भी जैसे कहा गया कि दो वोट भी खिलाफ पड़ जाएं तो आप ग्रे में बरकरार रह जाएंगे, वो दो वोट हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी इसको 50-50 समझता हूँ, माहौल ज़रूर बना है और पिछली दफ़ा की तरह वो नेगेटिव वाइब्स भी नहीं आ रही हैं, हमें कोई डिप्लोमेसी के महाज पे काम होता भी नज़र आया है। और हमने देखा है कि उससे पहले जर्मन वजीर खारजा भी आई हैं, हम भी बाहर गए हैं, बात की है हमने दुनिया के साथ, वरना पहले तो सिर्फ बयानात की हद तक ही रह जाता था कि हम यहाँ से बयान दाग देते थे और समझते थे वजारत खारजा का काम मुकम्मल हो गया। लिहाजा ये अब डिप्लोमेसी का आर्ट है, ये अगर ये निकलेंगे नहीं निकल सके तो मजीद डिप्लोमेसी की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है जितनी की गई है वो भी काफ़ी नहीं है, आपको मजीद दुनिया का दिल जीतना होगा, अपनी डिप्लोमेसी करनी होगी। ये कोई गन पॉइंट पे तो हम उनको ब्लैक ग्रे से वाइट पे नहीं ला सकते, वोट लेना है और वोट लेने के लिए वोट को इज्जत देनी पड़ती है, जिसका भी वोट है उसको इज्जत देनी पड़ेगी तभी वो आपको वोट ठीक है। चलें आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा आप इत्तेफाक करेंगी मुजम्मल साहब से? नहीं, वो मुजम्मल साहब का तो अपना एनालिसिस है, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि ये मत भूलें कि फैटफ जस्ट लाइक IMF इज अ मसल फ्लेक्सिंग काइंड ऑफ अ टूल ऑफ द वेस्ट, और अफगानिस्तान उसमें नहीं है, हम उसमें हैं, तो ये तो एक बड़ी फनी बात है। और माहौल तो बना हुआ है, इस बात से मैं एग्री करती हूँ मुजम्मल साहब की कि माहौल तो इस वक्त बहुत बना हुआ है। तो अगर तो आर्म ट्विस्टिंग की मजीद जरूरत हुई पाकिस्तान की तो भी हम ग्रे में रहेंगे, अगर कुछ ढील देनी हुई क्योंकि ढील और डील का जमाना है तो फिर हमें शायद निकाल दिया जाए। सो दोनों एंगल्स शामिल हैं। यूरोपियन ममालिक की राय पाकिस्तान के बारे में तब्दील हो रही है, मुस्बत हो रही है, और क्या लग रहा है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान इस मर्तबा निकलने में कामयाब हो पाएगा? वेल, देखिए काम तो बहुत ज़्यादा किया है, बहुत स्पीड से किया है और बहुत अच्छा किया है, और जैसे जैसे रिव्यूज़ आते रहे हैं उसमें फैटफ सेटिस्फाइड भी होता रहा है उससे। इनिशियली 27 पॉइंट्स एजेंडा था, वो कंप्लीट किया, फिर 34 हुआ, अब 40 तक तकरीबन सारा काम हो चुका है। सिर्फ प्रॉब्लम ये कि जो वोटिंग सिस्टम है उसमें अगर दो कंट्रीज भी अगेंस्ट आपके वोट दे देते हैं, जिसमें से एक ऑफकोर्स इंडिया होगा, तो मामला थोड़ा सा लटक जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान इससे निकल जाएगा। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है आज की कि न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक केस था, जिसमें नेशनल बैंक के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि टेरर फाइनेंसिंग की है उन्होंने, वहाँ जो पैसे आए हैं वो टेररिज्म के लिए अमेरिका में यूज़ हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो केस हम जीत गए हैं, वरना वो बहुत फ्लैशबैक कर सकता था, इम्पैक्ट कर सकता था इस पर। तो इस वक्त जर्मनी और इटली काफ़ी पाकिस्तान के हक में हैं, और इस वक्त वो चेयर भी कर रहे हैं इस इजलास को, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट मत भूलें कि IMF की भी से होगी उसमें, वर्ल्ड बैंक की भी से होगी, इंडिया भी एक्टिव है, दो वोट्स इम्पॉर्टेंट हैं, और सबसे बड़ी बात जो हिना रबानी खर पाकिस्तान के वफ्द को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या उन्होंने इमरान खान के दौर में जो हमाद अजहर ने सारा काम किया था उसको प्रेजेंट करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि काम उन्होंने किया हुआ है और ये आपस में बैठने के काबिल तो हैं नहीं कि इन्होंने बैठ के उनसे समझाओ कि ये काम किन टर्म्स पे हुआ था, इसकी नीटिंग ग्रिटीज क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, अगर सब कुछ ठीक जाता है तो उम्मीद तो बहुत है कि पाकिस्तान निकल जाएगा। ठीक, NBC, फैटफ से निकलने की सूरत में पाकिस्तान की मुश्किलात में किस हद तक कमी वाकई होगी आपके नजदीक? बहुत ज्यादा मुश्किलात में आपका रुपया स्ट्रांग होगा, आपकी ट्रेड में इजाफा होगा, आपका सैंक्शंस का खात्मा होगा जो FATF की तरफ से लगती हैं, एक्सपोर्ट में आपके इजाफा होगा और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन बुनियादी बात यही है कि मिफ्ताह इस्माइल IMF से क्या बात कर रहे हैं, उससे किस तरह डील कर रहे हैं। देखिए शिजरा नसब जो है ना वो निकलता है IMF से, और IMF से बाकी शाखें निकलती हैं, वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, दूसरे इदारों की, इवन इस्लामी डेवलपमेंट बैंक की, उसका भी, और सऊदी अरब का और UAE का, सबका। जब तक IMF आपको पैसे नहीं देगा, आपको क्लियरेंस नहीं देगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्कुल सही कहा जुनैरा ने, हमाद अजहर ने जितना काम किया इसमें उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त काम किया। और यकीन तौर पर कि जब हिना रबानी खर ने चार्ज लिया होगा तो उनको पूरी फाइल मिली होगी, और हम आज काम करने का आदी हैं, ये पूरा काम उन्होंने करके दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो उनकी गलती हो, हम आपकी गलती होगी। मेरा ख्याल ये है कि
हिना में इतनी काबिलियत है कि वो इसको डील कर सके, पेश कर सके। दैट्स व्हाई शिवाजिया चीजिया। अब मेरा अपना ख्याल ये कि हिंदुस्तान की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ के तीन अखबारों ने खबर शाये की है, मैंने उसको लगाया भी है अपने ब्लॉग पे, इंडिया टुडे है, दूसरे अखबार आते हैं कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ रहा है। अच्छा, ये वही अखबार आते हैं जो पहले कहते थे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। तो इनके इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुक आते हैं, कुछ और मसाइल भी हैं। गालिबन इंडिया को एहसास हो गया है कि ओवरऑल जो माहौल है FATF का अब वो बड़ा मुख्तलिफ है और अब पाकिस्तान के हक में बात जा रही है, क्योंकि कोई जवाब रहा नहीं है। 7 पॉइंट आखिरी थे, 7 पॉइंट के 34 पॉइंट और थे वो ABC। लेकिन सभी डर रहे थे ना कि ये ना हो कि अगले कोई 2-4 पॉइंट्स मजीद पकड़ा दें। हमने सब पूरे कर दिए हैं, अब कोई जवाब नहीं है इस बात का कि हम पे और पाबंदी लगाई जाए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, फैटफ में भारतीय लॉबी कितनी स्ट्रांग है ये हम सभी जानते हैं, ऐसे में आपको लगता है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से जान छुड़ा पाएगा?